हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आप सब लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर और इसका नाम है ए ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड। ये जो चैप्टर है ये है हमारे बहुत ही शानदार महान वैज्ञानिक आइंस्टाइन के बारे में, और जिनके बारे में कहा जाता है कि उनका आईक्यू जो था वो दुनिया में सबसे ज्यादा था। और उनको देखते ही लोगों के दिमाग में एक वर्ड आता है, वो वर्ड है जीनियस। और जीनियस वर्ड को वास्तव में आइंस्टाइन ने साकार कर दिया था। चलो करते हैं शानदार वीडियो की शुरुआत और जानते हैं उनके जीवन के कुछ अनछुए पहलुओं के बारे में। अल्बर्ट आइंस्टाइन का जन्म 14 मार्च 1879 को जर्मन की उल्म सिटी में हुआ, और जब उनका जन्म हुआ था तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगा था कि वो ग्रेटेस्ट के लिए पैदा हुए हैं। इसका मतलब वो महान बनने के लिए पैदा हुए हैं, इसके उल्टा ही बिल्कुल हो गया था। और उनकी जो मदर थी उनको ये लगा कि अल्बर्ट जो है एक फ्रीक, मतलब कमजोर बुद्धि वाले बालक हैं। और उनका सिर जो था वो बहुत बड़ा, लगभग 2.5 ईयर्स की एज तक आइंस्टाइन कुछ भी नहीं बोल रहे थे, और जब उन्होंने अंततः बोलना शुरू किया तो हर एक बात को वो 2 बार बोलते थे। आइंस्टाइन को पता नहीं था कि दूसरे बच्चों के साथ में क्या करना है, इसलिए उनके जो साथी हैं वो उनको ब्रदर बोरिंग कहा करते थे, इसलिए वो हमेशा अकेले ही खेला करते थे। उन्हें मैकेनिकल टॉयज बहुत अधिक पसंद थे, और अपनी न्यू बोर्न सिस्टर माजा को देखते हुए उन्होंने कहा कि ये बहुत प्यारी है लेकिन इसके व्हील्स कहाँ हैं। इसका मतलब उसको भी उन्होंने एक मैकेनिकल टॉय ही समझ लिया। एक बहुत बड़े एंशंट मैथमेटिक्स के हिस्टोरियन हुए हैं ओटो नेगबोआर, उन्होंने आइंस्टाइन के बारे में एक बहुत ही शानदार घटना का जिक्र किया है। हालांकि ये पता नहीं है ये घटना सही है या नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा कि आइंस्टाइन जो है वो लेट टॉकर थे, इसका मतलब वो काफी देर बाद में बात करने लगे थे, और उनके माता पिता इसके बारे में बहुत चिंतित थे। एक रात को जब वो खाना खा रहे थे तो आइंस्टाइन ने कहा कि सूप बहुत गर्म है। ये बात सुन के उसके जो पेरेंट्स थे वो बहुत अधिक खुश हुए, और उन्होंने पूछा कि अब तक तुमने कुछ भी नहीं बोला तो हमें लगा कि तुम तो बोल नहीं पा रहे हो। अल्बर्ट ने कहा कि अब तक सब कुछ ठीक था इसलिए मुझे बोलने की जरूरत नहीं पड़ी, इसलिए मैं कुछ भी नहीं बोला। तो हमारे आइंस्टाइन बचपन से भी ऐसे थे। आइंस्टाइन की स्कूल में जो हेडमास्टर थे उन्होंने एक बार उनके पिताजी को बुलाया और उनको कहा कि आइंस्टाइन किसी भी प्रोफेशन में चले जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आइंस्टाइन जो है हर एक काम में असफल ही होने वाले हैं। हालांकि आइंस्टाइन ने जब वो 6 साल के थे तब वायलिन बजाना सीखा था, क्योंकि उनकी मदर ऐसा चाहती थी, और अपनी उम्र के अंतिम पड़ाव तक वो एक शानदार वायलिनिस्ट बने रहे। हालांकि वो इसमें प्रोफेशनल तो नहीं बने लेकिन वो एक शानदार वायलिनिस्ट जरूर बने रहे। आइंस्टाइन एक बुरे शिष्य नहीं थे, बुरे स्टूडेंट नहीं थे। वो म्यूनिख में हाई स्कूल गए जहाँ पे आइंस्टाइन की फैमिली मूव कर गई थी जब वो लगभग 15 मंथ्स ओल्ड थे, और वो हर एक सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स स्कोर करते थे। लेकिन आइंस्टाइन को जो स्कूल का रेजिमेंटेशन था, बहुत स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन जो था, वो अच्छा नहीं लगता था, और इसी कारण से टीचर्स का उनके साथ में क्लैश या झगड़ा या वाद विवाद होता रहता था। 15 की एज में आइंस्टाइन जो है स्कूल के इस सिस्टम से इतना परेशान हो गए कि अपनी अच्छाई के लिए उन्होंने स्कूल को छोड़ दिया। और उससे 1 साल पहले ही आइंस्टाइन के पेरेंट्स जो हैं वो मिलान चले गए थे, और उन्होंने अपने बेटे को रिलेटिव्स के पास छोड़ दिया था। काफी लंबे डिस्कशन के बाद में आइंस्टाइन की जो इच्छा थी उसे पूरी कर दिया गया कि वो जर्मन स्पीकिंग स्विट्जरलैंड जो एरिया है जो कि म्यूनिख से काफी अधिक लिबरल, यानी वो जहाँ पे कड़े कायदे कानून नहीं है वहां पे उन्हें पढ़ने के लिए भेज दिया गया। आइंस्टाइन मैथमेटिक्स में हाईली गिफ्टेड थे और फिजिक्स में इंटरेस्टेड थे। अपनी स्कूल को फिनिश करने के बाद में उन्होंने डिसाइड किया कि वो जूरिक की एक यूनिवर्सिटी में पढ़ेंगे, और इसी के साथ साथ में साइंस जो थी वही एक चीज नहीं थी जो इस डैशिंग यंग मैन को अट्रैक्ट करती थी, जिसकी मुस्टेच जो थी बहुत भारी भरकम वॉलरस की मूंछों की तरह थी। और इसी के साथ साथ में आइंस्टाइन को अपनी एक साथी में बहुत अधिक इंटरेस्ट था जिसका नाम था मिलेवा मैरिक, जो
उन्हीं की तरह बहुत अधिक इंटेलिजेंट और क्लेवर थी। और ये जो सर्बिया की लड़की थी, स्विट्जरलैंड में यहाँ पे पढ़ने के लिए आई थी ज्यूरिच यूनिवर्सिटी में, क्योंकि यूरोप में केवल कुछ ही यूनिवर्सिटीज ऐसी थी जहाँ पे लड़कियों को डिग्री लेने की आजादी थी। आइंस्टाइन ने उसे अपना एक एलाई साथी समझा फिलिस्टाइन्स के विरुद्ध। फिलिस्टाइन्स वो लोग हैं जो कि संस्कृति, कला और म्यूजिक आदि को पसंद नहीं करते थे, और आइंस्टाइन ऐसे लोगों से हमेशा विरोध में रहा करते थे, और इसी प्रकार से मिलेवा भी उन लोगों के विरोध में रहा करती थी। इस कपल को एक दूसरे से प्रेम हो गया और उन्होंने एक दूसरे से लेटर एक्सचेंज किए जिसमें साइंस और लव दोनों थे। आइंस्टाइन ने लिखा, हम कितने हैप्पी और प्राउड होंगे जब हम हमारे जो रिलेटिविटी का जो वर्क है उसको शानदार ढंग से कंक्लूजन तक लेके जाएंगे। 1900 में आइंस्टाइन की उम्र 21 इयर्स की थी। अल्बर्ट आइंस्टाइन यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट हो चुके थे और वो अनएम्प्लॉयड थे। फिर उन्होंने एक टीचिंग असिस्टेंट का काम शुरू कर दिया और प्राइवेट लेसन्स भी वो लोग देने लगे, लेकिन 1902 में उन्हें एक बर्न के पेटेंट ऑफिस में टेक्निकल एक्सपर्ट का जॉब मिल गया। जब वो इस समय पे अन्य लोगों की इन्वेंशन को असेस सहायता प्रदान कर रहे थे, तो वास्तव में आइंस्टाइन चुपके चुपके अपने खुद के आइडियाज भी डेवलप कर रहे थे, और इसी कारण से हंसी मजाक में अपने डैश ड्रॉवर को वो ब्यूरो ऑफ थ्योरेटिकल फिजिक्स भी कहा करते थे। उनका एक फेमस पेपर 1905 में पब्लिश हुआ जिसमें आइंस्टाइन की स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के बारे में बताया गया था, जिसमें ये कहा गया था टाइम और डिस्टेंस जो है वो एब्सोल्यूट नहीं है, वास्तव में दो परफेक्टली एक्यूरेट क्लॉक्स हैं, वो भी एक जैसा टाइम नहीं बताएंगी अगर वो काफी लंबी यात्रा को कवर करके वापस आती हैं। हो सकता है उनमें से एक तेज चले और दूसरी धीरे चले, और इसी के कारण से उन्होंने दुनिया का सबसे फेमस फार्मूला निकाला था जिसमें हम लोग E=mc² करते हैं। इसमें ई एनर्जी है, एम मास है, और सी है स्पीड ऑफ लाइट वैक्यूम के अंदर। आइंस्टाइन जब फिजिक्स की सबसे अधिक डिफिकल्ट प्रॉब्लम को सोल्व कर रहे थे तो उनकी जो प्राइवेट लाइफ जो है वो अव्यवस्थित होती जा रही थी। अल्बर्ट जो है वो मिलेवा से शादी करना चाहते थे स्टडी के बाद में, लेकिन उनकी मदर इसके खिलाफ थी। उन्होंने सोचा मिलेवा जो कि आइंस्टाइन से लगभग 3 साल बड़ी है वो उनके बेटे के लिए अच्छी पसंद नहीं है, और उनकी मदर मिलेवा की इंटेलिजेंस से भी काफी चिंतित थी क्योंकि वह भी आइंस्टाइन की तरह बुकिश पर्सन थी, इसलिए उनकी शादी शायद नहीं चल पाई। तो आइंस्टाइन ने इस शादी को कैंसिल कर दिया, लेकिन अंततः जनवरी 1903 में उन्होंने शादी कर ली। उनके दो बेटे भी हुए और कुछ समय बाद में उनकी शादी है टूट गई, क्योंकि मिलेवा जो है उसके जो इंटेलेक्चुअल एम्बिशंस थे उनके कारण से वो एक अनहैप्पी हाउसवाइफ बन गई थी। काफी समय तक फाइटिंग करने के बाद में 1919 में उन्होंने डाइवोर्स ले लिया, और इसी साल आइंस्टाइन ने अपनी कजन एल्सा से शादी कर ली। आइंस्टाइन का जो नया पर्सनल चैप्टर शुरू हुआ उसी के साथ साथ में वो दुनिया में बहुत अधिक प्रसिद्ध हो गए। 1950 में उन्होंने जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को पब्लिश करवाया था जिसमें न्यू इंटरप्रिटेशन ऑफ ग्रेविटी के बारे में बताया गया था। 1919 में सन का एक एक्लिप्स देखने को मिला और आइंस्टाइन की जो कैलकुलेशन है वो बिल्कुल एक्यूरेट पाई गई। आइंस्टाइन ने लगभग 4 साल पहले ही कैलकुलेट कर लिया था कि इस समय जब सन एक्लिप्स होगा तो किस प्रकार से स्टार्स जो है वो सन के ग्रेविटेशनल फील्ड में कितने डिफ्लेक्ट करेंगे, और न्यूज़पेपर्स ने आइंस्टाइन की इस काम को एक साइंटिफिक रेवोल्यूशन बताया। इसी के कारण से 1921 में आइंस्टाइन को फिजिक्स का नोबेल प्राइज भी मिला और उन्हें बहुत सारे सम्मान और इनविटेशंस पूरी दुनिया से मिले और प्रेस के लोगों ने उनकी काफी तारीफें की। लेकिन नाजी जब जर्मनी के अंदर पावर में आए 1933 में तो आइंस्टाइन जो है वो यूनाइटेड स्टेट्स चले गए, और इसके 5 साल बाद में बर्लिन में न्यूक्लियर फ्यूजन की डिस्कवरी हो गई थी जिससे अमेरिकन जितने भी फिजिसिस्ट थे वो सारे आशंकित हो गए थे, शंका से भर गए थे।
उनमें से बहुत सारे लोग फासिज्म से भागे हुए थे, जैसे कि आइंस्टाइन, और ये लोग डर रहे थे कि नाजी जो है वो कभी भी एटॉमिक बॉम्ब बना सकते हैं। अपने एक कॉलीग के रिक्वेस्ट करने के कारण आइंस्टाइन ने अमेरिकन प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट को 2 अगस्त 1939 में एक लेटर लिखा और उसमें वार्न किया कि अगर इस प्रकार का एक भी एटॉमिक बॉम्ब किसी पोर्ट पे एक्सप्लोड कर दिया जाए तो ना केवल ये पोर्ट को तबाह कर देगा लेकिन आसपास के एरियो को भी ये तबाह कर देगा। और उनके वर्ड्स का बहुत अधिक शानदार प्रभाव हुआ और अमेरिकन्स ने क्या किया, सीक्रेट में अपना एटॉमिक बॉम्ब बना लिया और जापानी सिटीज हैं हिरोशिमा और नागासाकी, वहां पे अगस्त 1945 में एटॉमिक बॉम्ब डाल दिए। आइंस्टाइन जो है उनका मकसद बिल्कुल भी नहीं था कि अमेरिका के द्वारा एटॉमिक बॉम्ब वहां डाले जाएं, वो तो केवल नाजीज को रोकना चाहते थे, लेकिन अब उनके हाथ से सब कुछ निकल चुका था। इसके बाद में उन्होंने एक पब्लिक मिसिव यूनाइटेड नेशंस को लिखा ताकि इस तरह की जो होड़ है, ये जो लड़ाइयां हैं, उनको रोका जा सके। उन्होंने कहा कि हमें एक वर्ल्ड गवर्नमेंट का निर्माण करना चाहिए, लेकिन उनकी बातों का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। अगले डिकेड 10 सालों के लिए वो दुनिया की पॉलिटिक्स में शामिल हुए और वो इस बात के लिए संघर्ष करते रहे कि दुनिया में जो ये आर्म्स बिल्डअप का काम है ये रुक जाए, दुनिया में चारों तरफ शांति और डेमोक्रेसी की स्थापना हो, दुनिया में जो आपस में होड़ चली आ रही है बड़े से बड़े हथियार बनाने की, इसे रोका जाए। आइंस्टाइन जो है 1955 में इस दुनिया को छोड़ के चले गए और उस समय उनकी एज 76 थी। उन्हें एक बहुत ही शानदार वैज्ञानिक, साइंटिफिक जीनियस और विजनरी और वर्ल्ड का सिटीजन माना जाता है, क्योंकि उन्होंने ना केवल अपने देश के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए विचार किया था। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस सब्जेक्ट के अन्य वीडियोस को देखने के लिए प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।